अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यू विकी। और अब हम करने जा रहे हैं CS401 की सेकंड साइमर के सॉल्यूशन स्प्रिंग 2018 के बारे में। तो उसके लिए यहाँ भी ये कोड है मेरे पास, जो मैं आपको ये फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ये कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने चेंजिंग कहाँ पर करनी है। तो सो ये मेरे पास एक सिंपल सा कोड है, इतना भी सिंपल नहीं है ऑफकोर्स। तो इसको हम अपने सेव करना है और सेव करने के बाद रन करना है। सेव करने का तरीका आपको पता ही होगा कि सबसे पहले आपने कोड अपने नोटपैड में लिखना है। नोटपैड में लिखने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपने सी ड्राइव में एसएम सॉफ्ट का जो फोल्डर आपका बना हुआ है वहाँ पे जाके आपने इसको सेव करना है। और आपको ये सारा तरीका पता ही होगा कि एसएम सॉफ्ट आपने कहाँ से लेना है ये वाला सॉफ्टवेयर, और डॉसबॉक्स आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिंक्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके इन सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जब इस फाइल को सेव करना है तो आपने अपनी वी यू आई डी लिखनी है, लेकिन जो कि मैं इस वीडियो के लिए पर्पज़ के लिए आपको सिंपल कोई नेम हम चूज़ कर लेते हैं, तो आई एम चूजिंग बीबी मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख ली है। तो यहाँ पे लिखने के बाद अपनी ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है, और अपनी फाइल का नेम जो है अपनी आईडी के नाम से, यानी कि अपनी वी यू आई डी डॉट फिर आगे ASM लिख लेना है। और वी यू आई डी आपने किस तरह से लिखनी है, आपने पहला BC या MC जो भी होगा आपका वर्ड जो है आपने वो नहीं लिखना, उसके बाद आपने पहला लेटर जो होगा डिजिट जो होगा वो आपने नहीं लिखना, उसके बाद के नंबर जो आपने लिखने हैं। जैसे नॉर्मली स्टार्ट होता है BC 16040 एंड 1111, ये आपकी फॉर एग्जांपल एक आईडी है, तो आपने ये वाला BC एंड ये फर्स्ट वाला 1 यहाँ पे नहीं लिखना, और आगे वाले नंबर के साथ आपने आगे .asm लगा के इस फाइल को सेव कर लेना। तो मैं वीडियो के पर्पज़ के लिए कोई छोटा नाम लिख लेता हूँ, और ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अपने डॉसबॉक्स को ओपन करना है, और डॉसबॉक्स ओपन करने के बाद सिंपल वही तरीका, आपने यहाँ पे माउंट लिखना है और बाद में C:\AWMSOFT लिखने के बाद एंटर दबाना है, देन C:\ के बाद फिर एंटर, और उसके बाद आपने यहाँ पे अब अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखना है NASM:BB, मतलब आपकी व्यू आईडी जो भी आपका फाइल का नेम होगा आपने यहाँ पे वो लिखना है, और उसके बाद .asm --, या ये डैश का साइन होता है, ये जीरो के साथ एक बना होता है, जीरो जो ऊपर वाली रो होती है वहाँ पे बना होता है। तो उसके बाद आपने लिखना है O, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फाइल नेम के साथ .com/L, file name .lst। ये लिखने के बाद आपने एंटर दबा देना है। जैसे ही आप ये एंटर दबाएंगे तो हमारा ये इतना एक पोर्शन बन जाएगा, और इस पोर्शन का आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पेंट में या कहीं भी आपने जाके पेस्ट कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट होगा जो हमने वहाँ पे आउटपुट में शो करना है। तो इतने स्क्रीनशॉट को आप यहाँ से कट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर लें और MS Word की फाइल में जाके इसको पेस्ट कर दें। तो ये हमारा बन गया जी फर्स्ट स्क्रीनशॉट। और ये हर एक का ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, इसलिए क्योंकि हर एक की यहाँ पे इस जगह पे bb.asm.com और .lse, पहले जो bb की जगह है इस जगह पे हर एक की अपनी BU ID का नेम आना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट बन गया। फर्स्ट स्क्रीनशॉट जैसे ही आपका बन जाएगा उसके बाद आपने लिखना है AFD, और उसके बाद लिखना है स्पेस के बाद आपने फाइल नेम .com डाल के एंटर दबाना है। तो ये आपका बन जाएगा सेकंड। लेकिन यहाँ पे चूंकि देखिए आप AF के आगे 00 आ रहा है, और हमें जो कि वैल्यू चाहिए वो कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके नंबर का, आपकी VU ID का जो लास्ट डिजिट है उसका फिबोनाची नंबर बनता क्या है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये इमेज भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ इसका लिंक, लेकिन आप अगर सिंपल आप देखना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं कि फिबोनाची ऑफ, यहाँ पे कोई भी आप नंबर लिख दें तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके फिबोनाची नंबर्स होंगे। तो ये बनता है 0 का, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो हमारे व्यू के लास्ट नंबर्स जो होते हैं वो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल जो आउटपुट्स होंगे हर बच्चे का, इन नंबर्स में से कोई ना कोई आउटपुट बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस फाइल के अंदर, तो इस जगह पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5 लिखा हुआ है, तो ये मैंने नंबर यूज़ किया है आउटपुट के लिए। तो इसका मतलब है कि 5 का फिबोनाची नंबर यहाँ पे क्या बन रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 का फिबोनाची नंबर भी 5 ही बन रहा है, तो इस लिहाज से हमारे आउटपुट में हम यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ F1 प्रेस करना। और मुझे यहाँ पे एज अ 5 मैंने चूंकि नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे 5 चाहिए A के आगे, AX के आगे।
तो ये देखें यहाँ पे मुझे ये 5 मिल चुका है, इट मींस कि यहाँ पे मेरा सेकंड स्क्रीनशॉट भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लूंगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट को भी यहाँ पे पेस्ट करके इस सिर्फ डीबगर का जो पोर्शन है वो यहाँ से मैं कट कर लूंगा, और इसको कट करने के बाद भी मैं अपने नोटपैड सॉरी एमएस वर्ड की जो फाइल है उसमें जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आया मैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल में और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा बन गया सेकंड स्क्रीनशॉट। इससे पहले आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस पोर्शन में यहाँ पे जो ये नोटपैड वाला कोड है इसको कॉपी करके इस जगह पे लाके पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी असाइनमेंट फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेंजिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं ये डॉस जो है इसको बंद कर लूँ। चेंजिंग आपने कुछ इस तरह से करनी है कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग जब होती है तो आपको सामने ही बिल्कुल ये नज़र आ जाएगा ये वाली लाइन। इस लाइन में आपने सिर्फ अपने वी ओ आई डी का लास्ट डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 5 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप छः आपकी वी ओ आई डी के एंड पे 6 आता है तो आप यहाँ पे 6 कर देंगे, अगर 9 आता है तो यहाँ पे आप 9 कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो है आपका इस लिहाज से आपका आउटपुट आना चाहिए। पॉसिबल ये होता है कि 30 के बाद 34 की जगह पे वहाँ पे भी 3D भी लिखा आ सकता है आपके आंसर में। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे अब 9 कर लेता हूँ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद उनके लिए जिनके 9 आता है क्योंकि उनका थोड़ा सा डिफरेंट आता है, चूँकि मैंने चेक किया हुआ है तो आपको ये भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो आपने सिंपल वही तरीका अगेन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने नासम बीबी डॉट ASM स्पेस, अब चूंकि ये फाइल मैंने एडिट करने के बाद कंट्रोल एस दबा दिया है तो मेरी वो बीबी वाली फाइल में चेंजिंग आ चुकी है। पहले 5 था, अब 9 आ चुका है, तो अब हमने वहां पे नेक्स्ट ये करना है। और इसके बाद हमारा ये हो जाए तो हमने डीबगर में जाना है, वहां पे जाके bb.com कर देना है, वही पोर्शन आपका अगेन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि 34 था तो उसका जो पॉसिबल यहाँ पे आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ये ठीक आंसर है कि आपने F1 प्रेस करना शुरू कर देना है तो यहाँ से उसके जो लूप है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये आ गया 16, आ गया 23 एंड 30, और उसके बाद नेक्स्ट वो आ जाता है ये वाला। तो ये आपका अगर यू आर यूजिंग आपका 9 है लास्ट डिजिट तो आपका फिर पॉसिबल आंसर जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। आप चाहें तो उसको 30 पे स्टॉप करके भी उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं, आपका वो करेक्ट ही माना जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर, क्योंकि आज लास्ट डेट है और सबको इसकी जरूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।